कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, यूपी उत्तराखंड और एमपी सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुकानदारों को नाम और पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन, मुजफ्फरनगर समेत यूपी में कई जगह पर होटल और ढाबों से हटाए गए बैनर पोस्टर्स। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा नेम प्लेट वाला आदेश समाज को बांटने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पवन खेड़ा, उम्मीद है पीएम अपने सीएम को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया स्वागत, कहा सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा, जल्द बुझेगा। अखिलेश यादव की सलाह, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में विजय थे। सुप्रीम कोर्ट आपसी सौहार्द को कभी बिगड़ने नहीं देगा, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया, बीजेपी गंदी राजनीति करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार्य है लेकिन पहचान जाहिर करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। कल सातवीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, बजट बनाने वाली टीम के साथ वित्त मंत्री ने खिंचवाई तस्वीर। लोकसभा में देश का इकोनॉमिक सर्वे हुआ पेश, वित्त मंत्री का दावा दुनिया की विकास दर से भारत की बढ़त है आगे, काबू में महंगाई बेरोजगारी भी घटी है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7 फीसदी ग्रोथ रेट का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, भारत में हर साल 80 लाख रोजगार पैदा करने की जरूरत है, सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की है जरूरत, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बोले पीएम मोदी, सरकार द्वारा लाए सुधारों के परिणाम को दर्शाता है। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष पर बरसे मोदी, का पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया, 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने कहा यह सदन दल के लिए नहीं देश के लिए, कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक है। पीएम मोदी ने कहा कल मजबूत नींव वाला बजट होगा पेश, वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में कदम होगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जताई उम्मीद, कहा कल का बजट देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला होगा। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में घमासान, राहुल गांधी ने कहा देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है, पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी ने कहा नीट मामले पर सरकार बहस नहीं चाहती लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा। राहुल गांधी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान का जवाब, कहा घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं नेता, विपक्ष यूपीए सरकार में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राहुल गांधी के आरोपों को शिक्षा मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पेपर लीक के सबूत नहीं, सिर्फ कुछ सेंटर्स पर ही गड़बड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा सरकार पेपर लीक मामले में कुछ नहीं छिपा रही, सीबीआई कर रही है जांच। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, सभी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत है, सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी, सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक। अखिलेश यादव ने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। नेट विवाद पर शिक्षा मंत्री ने संसद में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का बयान, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, संसद में केंद्र सरकार ने नियमों का दिया हवाला। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले विशेष राज्य के दर्जे का प्रयास जारी रहेगा, बिहार में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जब लालू कांग्रेस के साथ थे तब क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक, बजट सत्र की रणनीतियों पर चर्चा की। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में आलाकमान के साथ होगी बैठक, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। 4 अगस्त को दिल्ली दौरे पर आ सकते उद्धव ठाकरे, सोर्सेज के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार, मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आरक्षण पर सुझाव देकर महाविकास आघाड़ी सुझावों पर गौर करे सरकार, शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। मराठा वर्सेस ओबीसी विवाद की जनक है बीजेपी, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। हिमाचल के 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, हिमाचल सीएम बोले प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दिखाया आईना। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, हमने फिर से 40 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। उम्मीद है विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे विधायक, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। सपा ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया, अंबेडकर नगर से एमएलसी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिले तेलंगाना के सीएम, डिप्टी सीएम और सिंचाई मंत्री भी साथ थे। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध। आरएसएस ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। कांग्रेस चीफ खरगे का बयान, कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है सरकार। केंद्र के फैसले पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने कहा नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।
कांग्रेस में राजनीतिक वजहों से लगाए थे प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख जाएंगे, कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम सीएम, प्रदेश में आई बाढ़ पर अपडेट समेत कई विकास कार्यों पर चर्चा की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की हाई लेवल मीटिंग, नॉर्दर्न आर्मी कमांड को दी फ्री हैंड। 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, दिल्ली में ऐलान किया। बांग्लादेशी शरणार्थियों के समर्थन पर घिरी ममता बनर्जी, बीजेपी सांसद बोले सीएम को इस मामले पर केंद्र से करनी चाहिए बात। बांग्लादेश के लोगों को शरण देना है या नहीं ये केंद्र तय करेगा, सीएम ममता नहीं, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा भेजी गई जेल, किसान को धमकाने के मामले में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की बड़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई कस्टडी। जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, यौन शोषण के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी, मंडलीय समीक्षा बैठक की। भोपाल के अमेदिया अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, मरीजों का लिया हालचाल। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी का एक्शन, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली कंपनी पर मामला दर्ज। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का अटैक, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गुंडा और माफिया राज हावी है। लालू यादव ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार के कंट्रोल से बाहर हुआ क्राइम। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, दबंगों ने फावड़े से किया जानलेवा अटैक, 5 लोग जख्मी। यूपी में रामपुर हाईवे पर 2 बसों में टक्कर, 3 यात्रियों की मौत, 49 घायल। श्रीनगर में एक घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वीडीसी सदस्य के घर पर आतंकी अटैक, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। राजौरी में आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम, सेना की चौकी को निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी। सीमा पार स्नाइपर हथियार और पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो के साथ देखे गए आतंकवादी, इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। भारत और पाकिस्तान के कुछ लोग शांति नहीं चाहते, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। उधमपुर के संगूर में एमईएस फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने की बैठक, नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों के लिए एसओपी पर की बात। त्रिपुरा पुलिस ने 10,000 याबा टैबलेट के साथ एक ड्रग पैडलर को पकड़ा, सीएम माणिक साहा ने दी जानकारी। पवित्र माह सावन का पहला सोमवार था आज, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। हरियाणा में नूह में भारी सुरक्षा के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा, 5,000 जवानों की रही तैनाती, ड्रोन से भी निगरानी। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, पहले सोमवार को भक्तों ने की पूजा। सावन के पहले सोमवार उज्जैन में निकली महाकाल की सवारी, बड़े पैमाने पर पहुंचे श्रद्धालु। बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधि विधान से की पूजा अर्चना। भारी संख्या में देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु, भगवान शंकर की पूजा की। सावन के पहले सोमवार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हुई खास पूजा, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उमड़े श्रद्धालु, मारतंड सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर एक्शन में सीएम धामी, आपदा प्रबंधन केंद्र का किया औचक निरीक्षण। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ों से गिरा मलबा, फिलहाल यातायात के लिए हाईवे हुआ बंद। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, मरीन ड्राइव में भी लगातार हो रही है बारिश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, खेतों और रिजॉर्ट में फंसे 30 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सूरत में मूसलाधार बारिश बनी आफत, कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रैफिक हुआ स्लो। देहरादून में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल्स, भारी बारिश को लेकर अलर्ट हुआ है जारी, जिसके चलते डीएम ने फैसला लिया। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का वाटर लेवल 48 फीट पहुंचा, अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें, इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी पार्टी के नेता गौहर खान और रऊफ हसन को अरेस्ट किया है। पाकिस्तानी सिंगर आतफते अली खान दुबई में हुए गिरफ्तार, पूर्व मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई। रुपए में 3 पैसे की बढ़ोतरी हुई दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83.67 रुपए पर रही। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 102 पॉइंट गिरकर 80,502 पर हुआ बंद। हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाए जाने पर बोले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी फिटनेस बड़ी चुनौती। भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज गोलकीपर श्रीजेश का ऐलान, पेरिस ओलंपिक के बाद लेंगे संन्यास। रणधीर सिंह का एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनना हुआ तय, 8 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए एकमात्र कैंडिडेट हैं।